अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ एवरी डे साइंसेस. टुडे इज 16-12 एंड द लेक्चर नंबर 9th इट्स दैट इज अबाउट द प्लास्टर्स एंड वी हैव स्टार्टिंग विद अवर चैप्टर. अब इसमें जो हमने टॉपिक आज डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द प्लास्टर्स. और प्लास्टर्स की शक्ल जो है वो ये है. अगर आप इसको गौर करें तो आपको इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नज़र आता है. ये भी एक इसमें आपको बाहर जो एक मेम्ब्रेन है ये ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है. और इसके अंदर एक और आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन. और इन दो मेम्ब्रेन के अलावा जो एक चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही है दैट इज़ द ये आपको जैसे हम कॉइन्स या सिक्के जो हैं उनको एक के ऊपर एक रख के पूरी एक ढेरी बना लेते हैं, उस तरह से आपको इसके अंदर भी इस तरह छोटे छोटे कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है. ये जो एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड थैलाकोइड. पूरा जो ग्रुप होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रैनम. अब इस एक ग्रैनम को आप अगर गौर करें तो वो दूसरे ग्रैनम के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये जो चीज़ एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ती है इसको हम क्या कहते हैं, इंटर ग्रैनम कहते हैं. देन स्ट्रोमा एक और टर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं. देन व्हाट इज़ द स्ट्रोमा, तो ये जो आपको इसके अंदर जो सारी स्पेस नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रोमा. ठीक है. अच्छा, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे अगर आएँ तो ये हमें सिर्फ प्लांट्स के अंदर नज़र आएगा. इट इज़ नॉट फाउंड इन द एनिमल्स. सो प्लास्टर्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल्स एंड आर कॉल्ड एज द प्लास्टर्स. की ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं और पिगमेंटेड यानी इनके पिगमेंट हम कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल के जो कलर देता है उसको हम कहते हैं कि वो पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ जो हैं वो सेल में नज़र आती हैं. और दीज आर फाउंड ऑन द इन द प्लांट सेल. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें तीन तरह के प्लास्टर्स की जो टाइप्स हैं वो हमें नज़र आती हैं. फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट. ये सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, क्लोरोप्लास्ट हमें नज़र आती है. जितने भी प्लांट के पार्ट्स आपको ग्रीन नज़र आते हैं ना, ग्रीन इन कलर, जैसे मोस्टली हमारे पास आ जाते हैं पत्ते या जो छोटे प्लांट्स हैं उनके अंदर जो हर्ब्स में हैं जिनको हम जड़ी बूटियाँ उस कैटेगरी में लेके आएंगे उसके अंदर आपको जो है वो क्लोरोप्लास्ट नज़र आता है. सो इन द फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल, फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल का मतलब है कि जिस प्लांट के सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है या ज़ियाई तालीफ का अमल हो रहा है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट होता है. और ये जो ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. द ग्रीन पिगमेंट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफिल. ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प्स द सेल टू अब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर द फूड. अब उसने करना क्या है, उसने फोटोसिंथेसिस करनी है और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रिजेंबल द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन अ प्रोटीन यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो सिमिलर होता है. अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि उसने ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है और उसके अंदर आयरन मेन वैल्यू होती है. क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम जो है वो मेन वैल्यू होती है उसकी. द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इन द क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम वाइल हीम हैज़ आयरन एज द सेंट्रल एटम. क्लोरोफिल वेरी इन देयर शेप एंड साइज विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 4 to 6 माइक्रोमीटर. ये क्लोरोफिल प्लास्ट जो है अब उसकी शेप कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा वो वेरिएबल होता है यानी कोई फिक्स नहीं होता. अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रैन्यूल्स नन एज द ग्रैना एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स. कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये हमें कैसा लगेगा, हेट्रोजीनस का मतलब होता है डिफरेंट शेप्स के अंदर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक ग्रैन्यूल्स हम कहते हैं या दानेदार स्ट्रक्चर आप समझ लें उसको ग्रैना कहते हैं जो कि उसके मैट्रिक्स के अंदर होते हैं. अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ क्लोरोप्लास्ट शोज 3 मेन कंपोनेंट्स. तीन आपको मेन कंपोनेंट्स नज़र आते हैं अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको अगर हम देख लें तो द एनवेलप है जो बाहर वाला उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा उसके अंदर जो जगह है एंड थैलाकोइड. अब थैलाकोइड आप समझ लें जिस तरह आप लोगों का पाउच होता है ना जिसमें आप अपनी पेंसिल्स पेन मार्कर्स ये सारी चीज़ें रखते हैं, अगर आप उसको एक ईजी टर्म समझें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है थैलाकोइड. अब ये देखें ये तीन चीज़ें जो हम कह रहे हैं, एक हम कह रहे हैं एनवेलप या मेम्ब्रेन्स, फिर हम कह रहे हैं उसके अंदर की जगह दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा और फिर उसके अंदर जो है वो थैलाकोइड होते हैं. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसमें आपको जो ये तीन कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं उसमें एनवेलप जो होता है इज़ फॉर्म्ड ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन
वाइल स्ट्रोमा जो है वो कवर करता है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी उसके अंदर की जो जगह है उसको, और स्ट्रोमा जो है उसको फिर हम कहते हैं कि ये एक फ्लूइड फील्ड होता है जो सराउंड करता है थैलाकॉइड्स को, और इट कंटेन्स प्रोटीन्स राइबोसोम्स एंड अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, यानी इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है और डीएनए भी प्रेजेंट है. सो इट इज़ दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर द शुगर. कि जब हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी प्लांट अपने लिए अपनी खुराक तैयार करता है, तो वो जो खुराक तैयार करनी होती है या फूड बनाना होता है प्लांट ने, वो शुगर की फॉर्म में होता है. तो थैलाकॉइड वो जगह है जहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है. अच्छा, देन उसके बाद सम प्रोटीन्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट. जहाँ पे भी राइबोसोम होगा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर हो रही होती है. अच्छा जी, देन थैलाकॉइड्स आर द फिलामेंटेड वेजिकल्स विच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना. वो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह हम कॉइन्स को पाइलअप कर लेते हैं, आप एक सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाएँ और एक ढेरी बन जाती है, इसी तरह जब थैलाकॉइड के ऊपर एक और थैलाकॉइड आता है, एक और आता है, और इसी तरह छोटे से जो ग्रुप बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेनम. और दो ग्रेनम को जो चीज़ आपस में जोड़ रही है, जो चीज़ इंटरकनेक्ट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरग्रेनम. अच्छा जी, देन उसके बाद अ ग्रेनम अपीयर्स टू बी अ पाइल ऑफ द थैलाकॉइड स्टैक ऑन ईच अदर लाइक द कॉइंस. ये वही मिसाल जो मैंने आपको भी समझाई. उसके बाद ऑन एन एवरेज देयर आर 50 और मोर थैलाकॉइड्स पाइल टू फॉर्म वन ग्रेनम. कि एक ग्रेनम को बनाने के लिए 50 या उससे ज़्यादा थैलाकॉइड जो हैं वो होते हैं. ऑन द लेयर्स ऑफ द थैलाकॉइड्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज एंड दैट इज़ वाई ग्रेनम अपेयर्स टू बी ग्रीन. कि अब ये जो लेयर बनी हुई होती है थैलाकॉइड्स की, उसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं, इसी वजह से ग्रेनम जो है वो ग्रीन इन कलर नज़र आता है. ईच ग्रेनम इज़ इंटर कनेक्टेड विद अदर्स बाय द नॉन ग्रीन पार्ट दैट इज कॉल्ड इंटरग्रेनम. कि ग्रेनम तो ग्रीन इन कलर नजर आते हैं लेकिन जो इंटरग्रेनम होते हैं वो ग्रीन नहीं होते. मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेनम आर साइट्स वेयर सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड वेयर एटीपी इज फॉर्म्ड. कि ये जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है ग्रेनम की, ये है ना ग्रेनम, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है और उसके बाद जो है एटीपी की फॉर्मेशन होती है. क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स. ये चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस की थी. सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि वो अपने ही जैसा एक और स्ट्रक्चर बना सकता है. ये बात हमने डिस्कस की थी जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था कि जिस भी स्ट्रक्चर के पास डीएनए होगा वो अपने जैसा एक और स्ट्रक्चर बना सकता है. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है क्रोमोप्लास्ट की. दे इम्पार्ट कलर टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन. ग्रीन के अलावा जो कलर हमें प्लांट्स में नजर आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से नजर आते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स एंड इन द राइपेंड फ्रूट. कि जो आपको फ्रूट्स में इतने ही कलर्स नजर आते हैं, रेड भी है, ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स आपको नजर आ रहे हैं वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं. एंड दे हेल्प इन द पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड. और ये फूलों के जो इतने कलर्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि इंसेक्ट्स जो हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और पोलिनेशन का प्रोसेस हो सके. और पोलिनेशन के बाद जो है वो फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो वो सीड की डिस्पर्सल जो है वो भी इसी वजह से होती है. अच्छा, उसके बाद एक और आप ग्रुप अगर देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता. दे आर ट्रायंगुलर, तकोने होते हैं, ट्यूबुलर या कुछ जो होते हैं दूसरी शक्लों के भी हो सकते हैं. दे आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड स्टोर द फूड. के इनका काम जो होता है ये जैसे रूट है, रूट अंडरग्राउंड पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे और ये इन्होंने फूड की स्टोरेज करनी है. इन्होंने फोटोसिंथेसिस में कोई भी रोल प्ले नहीं करना होता. सो दैट्स इट फॉर टुडे.